एसपी जी क्लासिक में आप सभी का स्वागत है। आज हम जयशंकर प्रसाद ने जो बहुत बढ़िया कहानी लिखी है आकाशदीप, आकाशदीप कहानी का जो हम कथानक लिखेंगे और इसका उद्देश्य लिखेंगे। आकाशदीप कहानी का आरंभ समुद्र की तरंगों पर हिचकोले खाते पोत, पोत माने पानी का जहाज है ना, हिचकोले खाते पोत पर बंदी बनाकर रखे गए दो बंदियों के वार्तालाप से होता है। एक बंदी का नाम होता है चंपा और दूसरे का नाम होता है, बंदी माने कैदी, और दूसरे का नाम होता है बुद्धगुप्त। दोनों बंदी एक दूसरे से अपरिचित और अनजान हैं। तूफान के कारण पोत यानी पानी जहाज पोत की व्यवस्था भंग हो जाती है, तूफान आता है, पोत अंग अस्त व्यस्त हो जाता है और दोनों परिस्थितियों वश दोनों कौन वही दोनों कैदी बंदी दोनों परिस्थितियों में रात्रि के अंधकार में लुढ़कते हुए एक दूसरे से टकरा जाते हैं। दोनों बंधन मुक्त होना चाहते हैं क्योंकि रस्सियों से बंधे हैं दोनों, और अपने प्रयास में सफल भी हो जाते हैं। जब दोनों हर्षातिरेक यानी बहुत खुशी इन्हें खुल गए ना लोग, जब दोनों हर्षातिरेक से एक दूसरे को गले लगाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि उनमें से एक स्त्री है ना और दूसरा पुरुष। स्त्री का नाम चंपा और पुरुष का नाम बुद्धगुप्त। चंपा पोताध्यक्ष, चंपा पोताध्यक्ष मणिभद्र के प्रहरी की इकलौती किशोर क्षत्रिय पुत्री है। 8 वर्ष से पोत ही उसका घर है। बुद्धगुप्त एक युवा जलदस्य है जो ताम्रलिप्त का क्षत्रिय है। पोत को लूटने के उपक्रम में चंपा के पिता बुद्धगुप्त के हाथों मारे जा चुके हैं। आगे देखिए, पोताध्यक्ष मणिभद्र ने अपनी काम वासना की तृप्ति में विफल होकर चंपा को बंदी बनाकर रखा। स्वातंत्र युद्ध में मणिभद्र चंपा और बुद्धगुप्त द्वारा मारा जा चुका है, यानी चंपा और बुद्धगुप्त ने मणिभद्र को मारा था है ना। पोत के नायक ने युद्ध में परास्त होकर उनकी शरण ले ली है। 2 दिन पश्चात पोत एक नए द्वीप पर लंगर डाल देता है यानी रुक जाता है। बुद्धगुप्त उस द्वीप का नाम चंपा द्वीप रख देता है। दोनों को चंपा द्वीप पर रहते 5 वर्ष बीत गए, यानी चंपा और बुद्धगुप्त दोनों 5 साल से चंपा द्वीप पर रह रहे हैं। संध्या समय चंपा एक दीप को जलाकर मंजूसा में रखकर दीपाधार को डोरी खींचकर ऊपर आकाश में चढ़ा रही है। द्वीप पर बुद्धगुप्त और चंपा का राज चलता है। बुद्धगुप्त की आज्ञा से सभी द्वीपवासी चंपा को रानी कहते हैं। दस्युवृत्ति छोड़ चुका बुद्धगुप्त चंपा के सम्मुख अपना प्रणय प्रस्ताव रखता है। वो चाहता है कि हम चंपा से प्रेम करें, किंतु चंपा उसे अस्वीकार कर देती है क्योंकि चंपा अपने पिता के हत्यारे जलदस्यु बुद्धगुप्त को क्षमा नहीं कर पाई है। बुद्धगुप्त पुनः पुनः उससे प्रणय निवेदन करता है और उसे विश्वास दिलाता है कि वह उसके लिए अपने प्राण तक दे सकता है। अंततः चंपा उसके सम्मुख अपना हृदय हार कर अपना प्रतिशोध का कृपाण निकाल कर समुद्र में फेंक देती है, यानी जो बदला लेने की भावना है चंपा के अंदर वो समुद्र में फेंक देती है, वो बदला नहीं लेना चाहती है। इस पर बुद्धगुप्त उससे कहता है, तो आज से मैं विश्वास करूं कि क्षमा कर दिया गया, यानी आपने हमको क्षमा कर दिया, ये हम विश्वास करूं आपसे। इस पर चंपा उससे कहती है, विश्वास कदापि नहीं बुद्धगुप्त, जब मैं अपने हृदय पर विश्वास नहीं कर सकी, उसी ने धोखा दिया, तब मैं कैसे कहूँ। मैं तुम्हें घृणा करती हूँ है ना, मैं तुमसे घृणा करती हूँ, फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूँ। अंधेर है जलदस्य, तुम्हें प्यार करती हूँ। चंपा रो पड़ी। यहाँ पर देखिए एक स्त्री के हृदय की व्यथा का जयशंकर प्रसाद ने दिखाया कहानी के माध्यम से है ना, क्योंकि स्त्री ज्यादा हृदय से चलती है, बड़े से बड़े अपराधों को भी क्षमा कर देती है। आगे देखते हैं, एक दिन किसी समारोह का आयोजन किया जा रहा था। बांसुरी ढोल बज रहे थे, फूलों से सजीव वन
फूलों से सजी वन बालाएं नाच रही थी। चंपा ने सहचरी जया से पूछा, सहचरी माने जो उनकी साथिनी है ना, दोस्त, तो जया से पूछा, ये क्या है जया? जया ने हंसकर उत्तर दिया, आज रानी का ब्याह है ना। चंपा को इस पर विश्वास ना हुआ है ना, और जो है उसने उसे झकझोर कर पूछा, क्या ये सच है? तभी बुद्धगुप्त कहता है, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो ये सच भी हो सकता है चंपा। और वहाँ की रानी कौन है? खुद चंपा। तो उसी के ऊपर बात हो रही थी। इस पर चंपा प्रतिप्रश्न करती है, क्या मुझे निस्सहाय और कंगाल जानकर तुमने आज सब प्रतिशोध लेना चाहा? बुद्धगुप्त अपना पक्ष रखता हुआ कहता है कि मैं तुम्हारे पिता का घातक नहीं हूँ चंपा, वह एक दूसरे दस्यु के शस्त्र से मरे है ना। बुद्धगुप्त अंततः चंपा के पैर पकड़कर कहता है कि मुझे अपने देश भारतवर्ष की बहुत याद आती है, मैं वहाँ लौटना चाहता हूँ। चलोगी चंपा? पोतवाहिनी पर असंख्य धनराशि लाद कर राजरानी सी जन्मभूमि के अंक में। इस पर चंपा ने उसके हाथ पकड़ लिए। किसी आकस्मिक झटके ने एक पल भर के लिए दोनों के अधरों को मिला दिया, दोनों के होठों को मिला दिया। सहसा चैतन्य होकर चंपा ने कहा, बुद्धगुप्त मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है, सब जल तरल है, सब पवन शीतल है। प्रिय नाविक, तुम स्वदेश लौट जाओ, विभवों का सुख भोगने के लिए, और मुझे छोड़ दो इन निरीह भोले भाले प्राणियों की दुख की सहानुभूति और सेवा के लिए। ये चंपा ने कहा। एक दिन स्वर्ण रहस्य के प्रभात में चंपा ने अपने दीप स्तंभ पर से देखा, सामुद्रिक नावों की एक श्रेणी चंपा का उपकूल छोड़कर पश्चिम उत्तर की ओर महाजल व्याल के समान संतरण कर रही है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये कितनी ही शताब्दियों पहले की कथा है। चंपा आजीवन उस दीप स्तंभ में आलोक जलाती रही, किंतु उसके बाद भी बहुत दिन दीप निवासी उस माया ममता और स्नेह सेवा की देवी की समाधि सदृश पूजा करते थे। एक दिन काल के कठोर हाथों ने उसे भी अपनी चंचलता से गिरा दिया। यही कहानी का अंत होता है। अब बच्चों, आकाशदीप कहानी का उद्देश्य, आकाशदीप कहानी का उद्देश्य क्या है, ये हम लिखेंगे। तो प्रस्तुत कहानी आकाशदीप में बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रस्तुत कहानी आकाशदीप में भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रभाव का अतीत काल में सुदूर पूर्व एक विस्तार दिखाना ही मुख्य उद्देश्य है। साथ ही प्रेम और कर्तव्य के सुंदर संघर्ष में अंततः प्रेम पर कर्तव्य की विजय की घोषणा के द्वारा कर्तव्य निष्ठा की प्रेरणा देना भी इस कहानी का एक महान उद्देश्य रहा है। निष्कर्ष रूप से यही कह सकते हैं कि प्रसाद जी ने आकाशदीप कहानी में अति साधारण एवं नगण्य मानव चंपा और बुद्धगुप्त है ना, में भी भावना और मानवता का उत्कृष्ट विकास दिखाकर मानव जीवन की तात्विक एवं संवेदनशील एकता का उद्घोष किया है, और वसुधैव कुटुंबकम की भावना का प्रचार एवं प्रसार करके उल्लेखनीय कार्य किया है। यही आकाशदीप कहानी है। ये बहुत बढ़िया जयशंकर प्रसाद की कहानी है, ऐतिहासिक कहानी है। बच्चों, इसको फेयर कॉपी भी कर सकते हो और इस वीडियो के माध्यम से आप आकाशदीप कहानी को याद भी कर सकते हो, समझ भी सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा कहानी में जो भाषा है इसकी टफ है, मैंने उसको समझाने की कोशिश किया। इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, जिससे उनको भी फायदा मिले। देखिए, हिंदी में लिखना बहुत पड़ता है, और अगर आपके पास लिखने का अभ्यास नहीं ना है तो आप हिंदी में अच्छे नंबर नहीं ला सकते हो। आप बना बना कर ना लिखिए, उसको पढ़ करके पहले उसका अभ्यास करो, और जब आप अभ्यास करते रहोगे तो आप लिखना भी समझ जाओगे। तो लिखना ही सबसे बड़ी चीज़ है। आज के बच्चे लिखने की आदत छोड़ रहे हैं, इसलिए हिंदी में नंबर कम आते हैं। तो लिखने की आदत डालो। धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।